हेलो एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू बायोलॉजी क्लास वेलकम टू सिविल स्टाफ हेलो शुभांगी हाँ जी एम आई ऑडिबल पहले आप मुझे कंफर्म कर दीजिए एम आई ऑडिबल ओके okay. सो so, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका एक्सक्रीटरी एंड नर्वस सिस्टम ठीक है जी जैसे कि हमने पहले बात की है कि हम जो है आज हमारा वैसे भी आज हमारा बायोलॉजिकल लास्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम करेंगे एक्सक्रीटरी नर्वस सिस्टम इम्पोर्टेंट पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने टिश्यूज कहीं से पढ़ा है एनसीआरटी से पढ़ा हो कहीं से पढ़ा हो टिश्यूज के बारे में पढ़ा या मैं आपको ओवरव्यू दे दूं टिश्यूज का पढ़ा कहाँ से पढ़ा आपने टिश्यू मुझे थोड़ा सा रेफरेंस बता दीजिए कि आपने कहा से टिश्यूज वाला चैप्टर किया है आप लोगों ने टिश्यूज चैप्टर प्लांट्स और एनिमल्स में जो टिश्यूज होते हैं वो आपने कहा से पढ़े हैं रेफरेंस बताइए कोचिंग के बुक थे ओके सो हेयर आई एम गिविंग यू प्रिव्यू ऑफ टिश्यूज जो आपके प्लांट्स और एनिमल्स में होते हैं और आपको किन पे फोकस करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ ठीक है थोड़ा सा क्रक्स है ठीक है जी एंड प्रिपरेशन बुक्स ओनली ओके नो प्रॉब्लम देखो जो आपके टिश्यूज होते हैं वो आपके प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में अलग होते हैं सबसे पहले अगर मैं टिश्यूज की बात करूं आपके प्लांट्स के अंदर तो आपके जो टिश्यूज होते हैं प्लांट्स के अंदर वो कौन से होते हैं आपके कौन कौन से पड़े बताना जरा बेसिक्स में बताओ कि आपने टिश्यूज प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं हाँ जी कितनी तरह के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर मेरिस्टमैटिक एंड पर्मानेंट ठीक है ओके सो टिश्यूज जो होते हैं वो होते हैं आपके सबसे पहले मेरिस्टेमैटिक टिश्यूज ठीक है एक होते हैं आपके मेरिस्टमैटिक टिश्यूज और इस तरफ आते हैं आपके परमानेंट टिश्यूज अब ये परमानेंट दो तरह से होते हैं आपके सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सिंपल परमानेंट एंड योर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज ठीक है अब जो आपके सिंपल वाले ये मेरिस्टेमेटिक है ये फर्दर आपके तीन तरह के टिश्यूज होते हैं डेट इज सबसे पहला आता है आपका एपिकल मेरिस्टेम फिर आता है आपका लेटरल मेरिस्टेम और फिर आता है आपका लास्ट में इंटरकैलेरी मेरिस्टेम ठीक है जी ये हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज उसके बाद सिंपल में आते हैं आपके सबसे पहले आता है आपका टिश्यूज the ये हैं आपके सिंपल वन जो आपके सिंपल है लेकिन पर्मांट टिश्यूज है हां जी बिल्कुल सही है आपके एपिकल इंटरकैलियन लिटल उसके कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं आपके दो दैट इज योर जाइलम एंड फ्लोयम अब आपको इनके अंदर याद क्या रखना है आपको याद रखना है इनका फंक्शन यानी कि इनकी एप्लीकेशन वन ये तो हो गया आपका करक्स ठीके? करक्स करक्स ठीक है का मतलब कि ओवरऑल आपको टिश्यूज के अंदर क्या पढ़ना है प्लांट्स टिश्यूज के अंदर वो आपको यहां पर देखना है अब अपने अपने पीवाई क्यूज देखना एनडीए का पीवाई क्यू देखोगे आपको यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है ठीक है वहां से भी क्वेश्चन आपको आ चुका है यहां से भी आ चुका है यानी कि ये जो पूरा आपके जितने भी सिस्टम्स हैं ये इंपॉर्टेंट है इसके साथ साथ आपको प्लांट टिश्यूज जो हैं वो एक्टली रूट और शूट में कैसे होते हैं वो आपको दोनों देखने हैं यानी कि ये जो आपके मेरिस्टमैटिक हैं मेरिस्टमैटिक क्या बोलते हैं देखो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज का मतलब होता है मेरिस्टेम और मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है आपके वो यंग सेल्स होते हैं और इमेच्योर

पहले आपका यूपीएससी के अंदर ही आ चुका है जो आपका एपीएफसी का एग्जाम हुआ था या आपका एओ या ईओ का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी आपको क्वेश्चन ईपीएफओ का जो एग्जाम था उसमें आपको आया था दैट इज वेलामेन यानी कि वो वेलामेन कहाँ प्रेजेंट होता है आपके

रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आपके प्लांट्स का तो यहां पर सारी जगह जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए और रूट्स के अंदर दो तरह की स्पेशल रूट्स होती हैं आपकी दैट इज अ टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट्स रूट्स इन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स होते हैं कुछ पैरासिटिक होते हैं एपिफिटिक होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं हर एक प्लांट के अंदर टाइप के अंदर कुछ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो एक एक दो दो टिश्यूज होते हैं वही आपको करने यानी डिटेल नहीं है क्रक्स है ठीक है तो वो डेफिनेटली करके जाना मैं फिर से कह रही हूँ टिश्यूज वाला टॉपिक जरूर करके जाना ठीक जा। है यू नेवर नो क्वेश्चन और हमें नहीं रहा जैसे पे था, कि वो कौन सा स्पॉन्जे टिश्यू प्रेजेंट होता है आपकेमेंट uh, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है तो उसका आंसर था एपिफिटिक प्लांट्स के अंदर तो वो आपका रूट सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ ठीक है वो मैं आपको नोट्स सेंड करवा दूंगी टिश्यूज वाले आज करवाऊंगी आपको टिश्यूज वाले आपको आज अटैच हो जाएंगे ठीक है आपको वो टिश्यूज वाले आप देखना उसके अंदर वेलामिन भी गिवन है नोट्स के अंदर तो वो बहुत ध्यान से नोट्स पढ़ के जाना अगर नोट्स अच्छे से कर लिए तो भी मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके ठीक है मैं ये नहीं कहती हंड्रेड परसेंट बायो आ, आएगी नोट्स में से आ भी सकती है इस पर भी कोई वो नहीं है लेकिन मैं इस चीज़ का क्लेम नहीं करूँगी क्योंकि फिर आप मुझे आगे बोलोगे कि हंड्रेड परसेंट कहा था आया नहीं ठीक है बट चांसेस हैं कि आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे वो आपके नोट्स में से आ जाए तो आपको नोट्स जो प्रोवाइडेड है जिन्होंने सीएपीएफ के नोट्स हैं जिनके पास उनको वेल एंड गुड है ठीक है आप उनको सॉल्व आप उनको पढ़ लीजिए तो वो बहुत ही अच्छी चीज है वो भी आप कर सकते हो जो आपको यहां पर नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं साथ में प्रैक्टिस है है आप वो है, तो वो करो तो भी बहुत अच्छी चीज़ ठीक ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ठीक है तो आप उनको भी पढ़ सकते हो दैट इज फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एपिकल मेरी होते हैं दे आर प्रेजेंट इन टू यानी कि ये आपके टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं टिप पे किसके रूट एंड शूट सिस्टम के

ठीक है हाँ, क्योंकि देखो जो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट था वो हमने लास्ट आई थिंक लेक्चर्स के अंदर खत्म किया था क्योंकि आपको एग्जाम बहुत क्लोज था एंड ड्यू टू माय मेडिकल इश्यूज आई वाज नॉट एबल टू क्लासेस है ना तो हमने वो क्लासेस जो है वो अटम्प नहीं की थी फिजिक्स और केमिस्ट्री का वो उतना डिटेल में नहीं हो पाया था क्योंकि आई वॉज ऑन मेडिकल लीव अदरवाइज जितना क्योंकि आई वॉज ऑन आई थिंक टेन टू ट्वेल्व डेज मैं खुद लीव पे थी तो अगर वो यूटिलाइज हो जाता तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी डिटेल में हो जाती ठीक है तो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री का भी बहुत ही कह, कह तो के के सीएपीएफ में लास्ट लेक्चर मैंने आपसे कहा था कि हमेशा यूपीएससी ग्लास पे क्वेश्चन पूछता है इस बार सीमेंट पे क्वेश्चन आएगा आपके यूपीएससी सीएपीएफ पे स्टेटमेंट आई है सीमेंट के ऊपर ठीक है अंकित अगर आपने पेपर काउंटर किया हो तो आपको उसमें पता होगा कि सेटलिंग ऑफ सीमेंट पे क्वेश्चन था और आपको वो क्लास से क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको क्लास में पहले कह दिया था कि सीमेंट पे क्वेश्चन आपको आ सकता है क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है ठीक है तो आई ट्राइड माई बेस्ट की केमिस्ट्री फिजिक्स का भी कर सकूँ लेकिन वो क्योंकि माई मेडिकल इशू तो आई वॉज नॉट एबल टू डू बट बायोलॉजी के आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने क्लास में बताए थे वो सी एपीएफ में डेफिनेटली थे तो आई आई होप एंड ठीक है एंड आई एम बिलीविंग कि इस बार भी एनडीए में आपका क्योंकि अब हमारे पास वी हैव अ लॉड ऑफ टाइम मतलब जितना हमने क्रैश कोर्सेस में जितना भी हम मैं आपको करवा पा रही हूँ क्लासेस के अंदर वहां से अगर आपके क्वेश्चन गए तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज होगी ठीक है थैंक यू अंकित Okay. This is your apical, यानी यानी कि कि और tips पे होते हैं आपके, यानी height में जब प्लांट बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे अब जो आपका uh, question आता है एनडीए के अंदर अब देखो सीएपीएफ uh, में डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं बायो के लिम्फ पे क्वेश्चन आया डायरेक्ट सेल से क्वेश्चन आया डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं आपको

अब वो जो बच्चा है वो चाहता है कि उसकी हाइट बढ़े ठीक है प्लांट को रोज पानी दे रहा है अब वो पानी क्यों दे रहा है क्योंकि वो चाहता है कि वो तेजी से बढ़े तो आपके अकॉर्डिंग उसको उसके अंदर जो प्लांट है उसके कौन से टिश्यूज पे ज्यादा फंक्शनिंग होनी चाहिए या कौन से ऐसे सेल्स हैं जो जल्दी मल्टीप्लाई होंगे तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी यानी प्राइमरी ग्रोथ हो जाएगी तो ऑप्शन होगा एपिकल लेटरल इंटर ऐसा तो आंसर होगा एपिकल मेरीस्टेम तो मैं आपको क्या बता रही हूँ आपको तरीका क्वेश्चन का टाइप भी बता रही हूँ कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनडीए के अंदर इसको कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ लेटरल पे आते हैं जैसे जैसे आपका हाँ जी मेरिस्टेम मेरिस्टेम कौन सा होगा एपिकल मेरिस्टेम अब जब हाइट बढ़ गई तो साथ साथ आप देखना पेड़ की क्या होती है विड्थ भी बढ़ती है होता है ना पेड़ की विड्थ भी बढ़ना शुरू हो जाती है तो जब डायमीटर जब पेड़ की स्टेम का स्टेम का डायामीटर बढ़ने लगे लेंथ तो बढ़ गई हाइट तो बढ़ गई लेकिन अब जब डायामीटर बढ़ रहा है तो उसको हम कहते हैं लेटरल ग्रोथ यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ इसको आप कहोगे सेकेंडरी ग्रोथ तो वो होती है आपकी लेटर मेरिस्टेम और मैं आपको बता रही हूँ दिस वन मेरिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिस्टेम इस पर बहुत घुमा के क्वेश्चन आते हैं और बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर ऊपर के ठीक है अब लास्ट है आपका इंटर कैलरी इंटर कैलरी का आपने वो देखा होगा शुगर केन का प्लांट देखा है आपने शुगर केन का प्लांट जो होता है उसके बीच में ऐसे नोड्स होते हैं तो गन्ना देखा है उसके बीच में ऐसे नोड्स बने होते हैं है ना? तो अब ये बहुत हार्डर सब्सटेंस होता है ये बहुत हार्ड होता है टू ब्रेक आपने भी देखा होगा जो भी शुगर केन खाते हैं उनको पता होगा कि नोड दिस इज नोड ये भी क्या है नोड है ऑब्वियसली इनको नोड से पुकारते हैं ठीक है बीच वाला जो सेक्शन है इसको हम कहते हैं इंटर नोड ये होता है आपका इंटरनोड -node. तो नोड्स और इंटर इंटरनोड की जो लेंथ बढ़ती है बढ़ती है, वो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ उसके अंदर किसकी होती है आपकी इंटर तो कैलरी आपकी कौन सी शुगर केन प्लांट्स के अंदर वो हां जी ठीक है तो दिस इज योर नोड्स और इंटरनोड्स तो इंटर कैलरी और इंटरनोड बोथ जस्ट लाइक दी शुगर तो ये है आपका साइड वाइज ठीक है उसको बस ऐसे ध्यान रखो देखो प्राइमरी हुआ तो ऊपर ठीक है सेकेंडरी हुआ तो ऐसे और जब इंटर इंटरनोड किया जाएगा पेपर के अंदर तो अगर इंटर नोड नोड ऐसी कोई टर्म आए तो उसका आंसर बनेगा इंटर कैलरी मैजिस्टेम बस इतना ही और मैं फिर से कह रही हूँ तीनों पे जो क्वेश्चन आएगा वो आपको एक सिंपल नहीं आएगा आपको हमेशा सिचुएशनल क्वेश्चन आता है इसके ऊपर अब यहां पर आ जाओ

टेरेस्ट्रियल में तो सिंपल पेरेंट कैइमा है लूज कनेक्टिव है आपका प्रॉपर चल रहा रूट्स के अंदर लेकिन एक्वाटिक के अंदर एक्वाटिक का मतलब है पानी में तो ऑब्वियसली पानी में सोइल तो नहीं है पानी में लगा है तो फिर उसको जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिलेगी पानी से मिलेगी H2O H2O को ब्रेक करके उसकी जो रूट्स हैं वो बनाएगी आपका ऑक्सीजन तो उसके लिए आपके कौन से टिश्यूज रिस्पांसिबल होते हैं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए फिर से बार बार मैं आपको प्रिपेयर कर रही हूं गलती करके मत आना क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना अगर उसमें प्लांट पूछा है और अगर उसके अंदर आपका देखो एक प्लांट और पूछा है ऑक्सीजन कहां से लेंगे तो उसके अंदर आपको ऑप्शन दिया होगा कुछ ऐसा लिखा हुआ दैट इज कॉल्ड एज एरनकाइमा ये पेरनकाइमा सेल्स ही होते हैं इनके बीच में जो स्पेस होता है एयर के लिए इन दी एक्टिक प्लांट्स पानी वाले प्लांट्स के अंदर उसको हम कहते हैं एरनकाइमा जहां से उनको ऑक्सीजन मिलती है अगर आपको एरन कायमा मेंशन नहीं होगा तो आप पेरन कायमा को टिक करके आना क्योंकि फिर करेक्ट आंसर क्योंकि के अंदर ही क्या है आपके एयर स्पेसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं एरन से आपके इक्वेटिक प्लांट्स ऑक्सीजन कैरी करते हैं क्लियर है क्लियर या कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्कृत सो दिस इज योर एरेंकाइमा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं आपके अगर टेरेस्ट्रियल है यानी कि लैंड प्लांट्स है तो वहां पर ये फोटोसिंथेसिस का, का काम करते हैं क्योंकि दे कंटेन द क्लोरोफिल ओके उसके बाद आते हैं कोलेनकाइमा सेम फोटोसिंथेसिस है ठीक है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इनके पास कोई भी एयर एंड जैसे स्पेस एयर स्पेसेस बहुत कम होते इतने ज्यादा नहीं होते तो एयर एंड यहाँ प्रेजेंट नहीं होते एज सच ठीक है फिर आते हैं आपके स्क्लेर एंड कायमा स्क्लेर न्काइमा के अंदर होते हैं स्क्लेरिज इनका मतलब होता है डेड सेल्स हार्ड स्टोन तो आपने देखा है जो पेड़ होते उसका बार्क होता है वो ग्रीन नहीं होता वो ब्लैक होगा ब्राउन ऐसा ब्राउनिश ब्लैक कलर देता है और वो लकड़ी हाथ में लग जाए तो चुभती है हार्ड पत्थर जैसी हार्ड होती है लकड़ी पेड़ की बार्क ऑफ द ट्री जिसको हम कहते हैं वहां पर प्रेजेंट होते हैं आपके स्क्लेरिन काइमा स्क्लेरिड्स और ये दो फॉर्म्स में होते हैं या तो स्टोन या हाँ जी सेल वॉल की वजह से ठीक है सेल वॉल की हार्ड होती है ठीक है या तो क्या होंगे स्क्लेरिड्स होंगे दूसरे होते हैं आपके फाइबर की फॉर्म में जैसे

कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज दैट इज कॉल्ड एजाइलम एंड फ्लोयम तो जाइलम रिस्पॉन्सिबल है आपके वॉटर प्लस मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम है और फ्लोएम जो है वो आपके फूड सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है फूड सब्सटेंसेस फ्लोएम जाइलम जो है वो अपटेक कैसा होता है जाइलम का इट इज यूनिडायरेक्शनल यानी कि यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है इफ दिस इज योर प्लांट ठीक है ये आपका प्लांट है दिस इज योर रूट सिस्टम यहां पर आपके क्या है रूट है ठीक है जी अब यहां पर आपके लीव्स हैं, ठीक है जी दिस इज योर लीव अब ये आपके क्या है लीव्स हैं। अब क्या होगा यहां पर आपका ये रूट तो जाइलम जो है वो आपके रू रूट से किसको अपटेक करता है वाटर प्लस Minerals. तो रूट का जो अपटेक होता है पानी का इट इज ऑलवेज अपन वापिस तो नहीं आएगा पानी. Roots से capture वो तक और कैसा है xylem is equal to वो एक ही डायरेक्शन में जाता है वेर एज फ्लोएम फूड बनता है कहां बनता है फूड लीव के अंदर फोटोसिंथेसिस आपकी लीव्स के ऊपर वाले पार्ट पे होती है यहाँ पर ठीक है दिस इज कॉल्ड एज लीव जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है यहाँ पर जो लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के बाद फूड मटेरियल बनेगा या तो वो ऊपर भी जाएगा और वो नीचे भी आएगा तो यानी कि जो फूड का डायरेक्शन है वो कैसा है बाय डायरेक्शनल ऊपर नीचे दोनों की तरफ बाय डायरेक्शन है कंडक्टेड बाय फ्लोयम हाँ जी वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट और ये वाला टिश्यूज वाला जो पार्ट है जो मैं आपको करवा रही हूं यहाँ पर आपको क्वेश्चन फिर से कह रही हूँ सिचुएशनल आएगा और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो बड़ी सी स्टेटमेंट होगी नीचे छोटा सा आंसर होगा तो बड़ी स्टेटमेंट देख के डरना नहीं है जितनी बड़ी स्टेटमेंट होगी उतना ज्यादा क्वेश्चन आपको क्लैरिफाई किया जाएगा उतना ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड्स निकाल सकते हो ठीक है दिस इज योर जाइलम एंड फ्लोएम ये छोटे प्लांट्स के अंदर होता है बड़े प्लांट्स के अंदर वो बता रही हूं जो यूज करता है बच्चे कंफ्यूज होते हैं और पेपर में आपको लगता है आता जाता क्वेश्चन आप गलत करके आ जाते हो इफ इट इज आस्किंग अबाउट फ्लावरिंग प्लांट्स अगर आपको कहीं क्वेश्चन के अंदर फ्लावरिंग मेंशन है आपसे ऐसा कुछ पूछा या टॉल प्लांट्स जो हाइट पे प्लांट्स होते हैं कई बार एग्जाम पूछता है कि हाइट पे अगर प्लांट्स है और उनकी हाइट बहुत ज्यादा है तो फिर वहां पर किस तरह के आपके जो वास्टोर सिस्टम है वो काम करेंगे तो वहां पर काम करते हैं वेसल्स जाइलम वेसल्स ठीक है vessels, vessels, या फ्लोएम वेसल्स ऐसी वेसल्स वर्ड यूज होगा वहां पर ठीक है दिस इज योर तो ये ध्यान में रखना इतना मैंने आपको करक्स बता दिया है नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी टिश्यूज के वो बहुत ध्यान से पढ़ना पढ़ के जाने और You never know, आपको वहां से क्वेश्चन आ जाए ठीक है जी सो दिस ऑल अबाउट योर टिश्यूज यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था आपको जो करवाना बहुत जरूरी था ठीक है चलो आप मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ इज जो आपके कॉमन चीजें हैं वो क्या है आपसे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पूछे, कि के क्या फंक्शन है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या आती है हमारी किडनी आती है अब किडनी के दो ही फंक्शन है पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ठीक है जी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ठीक है मैं यहां पर आपको इस पेंसिल फिल्ट्रेशन ये हो गया आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पहला पार्ट दूसरा पार्ट है आपका दैट इज री एब्सॉर्पन ये दो फंक्शंस हैं आपके एक्सक्रिटरी सिस्टम के ठीक है दीक्षा आपके ये जो आप एमसी क्यूज की बात कर रहे हो एक नहीं बहुत सारी क्लासेस लूंगी डोंट वरी जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एमसी क्यू सॉल्व करेंगे ठीक है आज जो जो हमारा सिलेबस सिलेबस खत्म खत्म करवा के छोड़ूंगी नहीं डोंट वरी नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास होगी तब हमारे एमसी क्यू स्टार्ट होंगे तो डोंट वरी ऐसे नहीं कि सिलेबस करवा दिया और हो गया नो विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चन लाइव ऐसे ही ठीक है ओके सो दिस इज योर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड री अब आपका जो एक्सक्रीटरी है उसके अंदर क्या होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर करेगा तो जो आपका एक्सक्रीटरी दिस इज लाइक like इट जैसे चाय पूनी होती है ना जिसमें आप चाय को फिल्टर करते हो चाय पत्ती रह जाती है और चाय फिल्टर हो जाती है दिस इज कॉल्ड एज योर एक्सक्रीटरी सिस्टम दैट्स इट ऐसे ही समझो तो उसमें फिल्ट्रेशन होती है और रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है मैंने यहाँ पर वर्ड किया है रीएब्जॉर्प्शन यानी अगेन दोबारा से सब्सटेंसेस की मिनरल्स की या न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती है इससे पहले एब्सॉर्प्शन कहां पर हो रही थी आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर हमारी बॉडी में इससे पहले वाई आई है बार बार एब्जॉर्प्शन होती है सबसे पहली बात तो यही है और आपने एब्जॉर्प्शन जैसी टर्म कहां पढ़ी है और हमारे कौन से सिस्टम के अंदर हुई है एब्जॉर्प्शन वेरी गुड दिस इज योर डायजेस्टिव सिस्टम इन टेस्टाइन के अंदर हुई थी माइक्रोवेलाइम एबजॉर्पन वेरी गुड ठीक है तो दिस इज योर री एब्सॉर्पन अब एक और बार कौन री एब्सॉर्ब करेगा आपकी किडनी जो आपके असेंशियल आपके न्यूट्रिय है आप किडनी भी उसको एब्जॉर्ब करेगी ठीक है वैसे एक्सक्रूटरी सिस्टम पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आप एनसीआरटी पढ़ोगे तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे वहां पे कभी कोई टर्म यूज हो रही है कभी कोई टर्म यूज हो रही है एंड इट मेक इट दिस टाइप ऑफ सिस्टम मेक्स इट मोर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है वो मैं आपको ईजी फॉर्म में फ्लो चार्ट में करवाऊंगी एक्सक्रिटरी सिस्टम जैसे सर्कुलेटरी किया था ना हमने वैसे ही अब हम एक्सक्रिटरी भी करेंगे बहुत ईजी मेथड में उसके बाद

स्पाइनल कॉर्ड और पेरीफेरी का मतलब क्या होता है पेरीफेरी जो साइड में होता है तो ब्रेन के साइड में जो आपकी नर्व्स होंगी उनको हम कहेंगे पेरिफेरल और स्पाइनल कॉर्ड से जो रिलेटेड आपकी नर्व्स होंगी उनको हम कहेंगे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर स्पाइनल नर्व्स प्लस ब्रेन और क्रैनियल नर्व्स तो ये आती है आपकी पेरीफेरी के अंदर ठीक है ऑटोनॉमस के अंदर एंड एज वेल उसके बाद हमें देखनी तो सिर्फ पांच चीजें नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा नहीं करना है बस पांच चीजें आपको याद रखनी है सेरेब्रम सेरेबेलम ये सारी चीजें करनी है फोर ब्रेन मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन तो हमको ये भी क्या करना है इसके अंदर देखना है नर्वस सिस्टम के अंदर तो विल स्टार्ट विद नर्वस सिस्टम ठीक है तो यह है आपका ह्यूमन न्यूरल सिस्टम और ह्यूमन ब्रेन जहां पर हम ब्रेन को क्या करेंगे डिटेल में पढ़ेंगे सो so, ये अगर आप देख रहे हो दिस इज योर स्ट्रक्चर होती है cranium, और ये आपको क्या, को किसी भी शॉक और हार्म से इंजरी से बचाती है उसके बाद ये ब्रेन है आपका ऑब्वियसली ब्रेन विल बी डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन उसके बाद ये जो आपको नर्व्स दिख रही है दी आर योर है नर्वस सिस्टम तो जो ब्रेन के साथ सिस्टम और जो आपके यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड दीज आर कॉल्ड एज योर स्पाइनल नर्व्स ठीक है और ऑटोमेटिक तो आपको पता ही ऑटोनॉमस सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्व्स, तो वो आपके इस तरह यहाँ प्रेजेंट होते हैं इस वाले सेक्शंस के अंदर ठीक है जी चलो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो जो फंक्शंस हैं आपके ऑर्गन्स के वो हम देखेंगे यहाँ पर कि जो फंक्शंस है ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम के

इज Point इनऑर्गेनाइज -point या अनऑर्गेनाइज नॉन ऑर्गेनाइज जब हम स्टेटमेंटल क्वेश्चन करते हैं तो अगर हमें लगता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमें आ सकता है वहां पर हमें वर्ड टू वर्ड मतलब उसका बेसिक वर्ड तो याद रखने ही चाहिए

MCQ के अंदर किसका साइट है ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल प्लीज मेक श्योर आप वर्ड पे ज्यादा फोकस कर रहे हो ठीक है ओके okay. और आपका पेरिफ़ेरल जो है सारी की सारी नर्व से रिलेटेड है बॉडी के जो एसोसिएटेड है किसके साथ ब्रेन और स्पाइनल के साथ तो यही तो मैंने आपसे कहा कि वो आपके क्या बनते हैं पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम अब यहां पर कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है जो आपकी पेरिफिल नर्वस सिस्टम है जिसके हम नर्व्स की बात कर रहे हैं, तो कितनी तरह की नर्व्स होती हैं आपकी? A जो है, वो क्या करती है टिश्यूज और ऑर्गन से ब्रेन को सिग्नल लेकर जाती है टिश्यूज या ऑर्गन टू ब्रेन ई फ्रेंट फाइबर्स ब्रेन टू टिश्यूज तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ब्रेन से टिश्यूज को और टिश्यू से ब्रेन कौन सा है वो ए और ई याद रखना है आपको ए क्या करती है ये ट्रांसमिट करते हैं इंपल्स फ्रॉम ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम ई ट्रांसपोर्ट रेगुलेटरी इंपल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द कंसर्न टिश्यू और ऑर्गन ठीक है जी तो आपके दो डिविजन होती है आपकी पेरिफिल नर्वस सिस्टम यानी जो आपका क्रेनियल है जो ब्रेन में हो गई और जो आपकी वो है स्पाइनल है वो के साथ अब इसके अंदर दो डिविजन होती है सोमैटिक और दूसरा होता है ऑटोनोमिक है वो ऑटोनॉमिक तो वाला ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक होता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ठीक है तो सोमैटिक के अंदर क्या होता है इट सिस्टम रिलेज इम्पल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू दी दी टू स्केलेटल मसल्स नर्वस सिस्टम बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को इसमें समझना क्योंकि इसमें क्या है ये सेंट्रल पॉइंट है ऑब्वियसली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम जो कर रहा है वो आपका नर्वस सिस्टम कर रहा है अब क्या है नर्वस सिस्टम बीच में है अगर इसको टिश्यूज से कोई सिग्नल लेकर जाना है तो कोई और है जैसे कि एफरेंट इससे किसी को जाना है सिग्नल तो उसको कहते हैं ईफरेंट e ठीक है फिर अगर नर्वस सिस्टम का कनेक्शन आपकी मसल्स के साथ है या मसल्स के है मसल्स के साथ है मसल्स में भी कोऑर्डिनेशन होता है ना तो आपकी लोकोमोशन में जो इंपल्स जनरेट होता है वो कौन करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम याद रखोगे याद रहेगा और यू वॉन्ट मी टू मेक अ चार्ट ऑफ दिस टाइप ऑल्सो याद रहेगा ये चीजें या खुद बना नर्वस सिस्टम ब्रेन से वॉलंट्री मसल्स को जो सिग्नल जाता है दैट इज योर सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और नर्वस सिस्टम और आपका जो ऑटोनॉमिक हां लोकोमोशन मतलब सोमैटिक ऑटोनॉमिक है ब्रेन से इनवॉल्ट्री मसल्स के लिए तो वॉलंट्री मसल्स यानी लोकोमोशन और मूवमेंट में जो आपकी हेल्प करते हैं वो कौन से हैं सोमेटिक है और आपका जो कार्डियक वाला हमने कल किया था मसल कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स उनमें कौन सा नर्वस सिस्टम काम करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ठीक है तो ऑटोनॉमिक में कौन से सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक थैंक यू अंकित ठीक है आई होप कि आप लोगों को याद रहे एग्जाम तक भी और उसके बाद भी और लाइफ में भी ऑलवेज ठीक है कभी भी कोई भी एग्जाम दो या कभी भी कोई भी लाइफ की स्टेज पे यू शुड रिमेंबर दिस बेसिक चीज है अंडरस्टैंड योर बॉडी ठीक है जी तो ये हो गया आपका दैट इज कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ योर नर्वस सिस्टम तो ये नर्वस सिस्टम जो है आपका यहाँ यहाँ है टिश्यू ले लो आपके ऑर्गन ले लो आपके चलने से लेकर आपके बोलने तक ठीक है वेन आई एम टॉकिंग तो मेरा भी क्या है आपका नर्वस सिस्टम काम कर रहा है ठीक है तो यानी कि नर्वस सिस्टम जो है वो हर जगह आपका काम कर रहा है अब आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है जहां पर भी अंडरलाइन करूं मेक श्योर sure कि उसको शॉर्ट फॉर्म में आप अपने पास लिख रहे हो वो बनेंगे आपके खुद के पर्सनल शॉर्ट नोट्स जो आपको रिवाइज करने में हेल्प करेंगे ठीक है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिखो उसके बाद लिखो कि इसका क्या काम है एक्ट एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तो ये कंट्रोल करता है और कमांड करता है कि आपको क्या करना है और उसको कंट्रोल भी करता है ठीक है तो यह है आपका सेंट्रल सेंटर में है जैसे क्या है आपका सेंटर में क्या है जैसे आपका सेंट्रल और स्टेट रिलेशंस पता है आपको सेंटर में कौन बैठता है जैसे पार्लियामेंट है और स्टेट्स होती हैं तो स्टेट कुछ भी करना चाहती है अगर वो कॉन्करेंट लिस्ट में है या किसी भी और में है तो उसको क्या करना पड़ता है पहले अप्रूवल लेना पड़ता है दिस इज कॉल्ड एज योर ठीक है इज़ योर कंट्रोल एंड कमांड तो वो भी सेंटर से होता है ना सेंटर हम कहते हैं सेंटर से नहीं आया सेंटर से नहीं आया मतलब सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है वो करती है ठीक है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल दोनों है अब ये कंट्रोल करते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम वॉलंट्री मूवमेंट बैलेंस ऑफ द बॉडी फंक्शनिंग ऑफ वाइट इन वॉल्ट्री ऑर्गन जैसे लंग्स हार्ट किडनी इनको भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर स्पाइनल कार्ड तो इनवॉल्ट्री में स्पाइनल कार्ड आती है बैलेंस ऑफ द बॉडी स्पाइनल कार्ड तो आपने सुना है कि अगर किसी की स्पाइन टूट जा ब्रेक हो जाए तो रीजन क्या है कि बॉडी का जो बैलेंस है जो है, दिस इज ऑलवेज रिलेटेड कॉर्ड तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। हंगर थर्स्ट ठीक है आपकी जो ये है कार्डिक रिदम्स हैं बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं आपकी ह्यूमन बिहेवियर की सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक है तो और सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस का साइट है

पियामीटर या पायामीटर ऐसे तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है आपको कि सबसे आउटर लेयर कौन सी है मिडल लेयर कौन सी है और सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है डन या आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी जो लेयर है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट है आपके ब्रेन टिश्यू के साथ तो आंसर होगा पियामीटर यह स्टेटमेंट अलग है तो अलग बात है अब आ जाओ सबसे पहले तीन मेजर पार्ट्स के अंदर है फोर ब्रेन मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन ऐसे बना लो इसको जैसे आप ऐसे बनाते हो जैसे मैं हमेशा चार्ट बनाती हूँ चार्ट ब्रेन में ऐसे तीन पार्ट्स कर लो फोर ब्रेन मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन आपको याद रहेगा ऐसे बना लो अब फोर ब्रेन के नीचे ये सारी चीजें इसके नीचे लिखना फोर ब्रेन के नीचे जो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी

सेरेब्रम फिर आता है थैलेमस फिर आता है हाइपोथैलेमस सुना है हाइपोथैलेमस ये है आपके किसके पार्ट फोर ब्रेन के तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है फोर ब्रेन मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन ऐसा या पिट्यूटरी ग्लैंड तो आंसर होगा फोर ब्रेन ठीक है जी सेरेब्रम तो का क्या काम है मेजर पार्ट होता है सेरेब्रम का तो आपका जितने भी रीजनिंग है सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट है ह्यूमन के अंदर दैट इज योर सेरेब्रम हाईली एडवांस्ड और बहुत ज्यादा आपका फंक्शन होता है कहते हैं कि जो ह्यूमन का ब्रेन है वो सबसे ज्यादा हाईली एडवांस रीजन यही है सेरेब्रम क्योंकि हमारा जो बॉडी का सेरेब्रम है ब्रेन का वो हाइली एडवांस है ठीक है जी और उसके अंदर फंक्शन क्या है इसके जितने भी थॉट है है रीजनिंग इंटेलिजेंस है या आपकी आप ये कह सकते हो कि थॉट प्रोसेस है तो जो आपको याद करने की मेमोरी वाला पार्ट है वो सब कुछ कहाँ इंक्लूडेड होता है सेरेब्रम के अंदर तो आपसे कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर होगा सेरेब्रम और सेरेब्रम किसका पार्ट है फोर ब्रेन का ठीक है जी डीप क्लेफ्ट

कनेक्टेड बाय अ ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर्स जिसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम याद रखना इसको दिस इज योर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को कौन कनेक्ट करके रखता है आंसर होगा कॉर्पस कैलोसम नेक्स्ट लेयर को हम कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स ठीक है जी और ये कैसा दिखता है आपका ग्रे मैटर क्योंकि इसकी ग्रेश अपेयरेंस होती है अब से क्या जनरेट होगा फाइबर्स है तो ऑब्वियसली यहां पर नर्व भी जनरेट एरिया आपका, आपका है ठीक है वो सुना है मोटर इंपल्स जनरेट करता है सेंसरी इंपल्स जनरेट करता है सुना मोटर इंपल्स तो ज्यादातर जो आपके एक्सक्रिटरी सिस्टम है या आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है वहां पर जनरेट होता है आपका मोटर इंपल्स और सेंसरी कब होगा जब सेंसेस वो जो रिफ्लेक्स सेक्शन वाली बात करते हो आप वो है आपका सेंसरी वाला सेंस करना किसी चीज को और किसी का एकदम से किसी बॉडी के अंदर कभी रेगुलेशन होता है तो वो मोटर एरियाज करते हैं ठीक है ठेके? ये कौन से एरियाज हैं एसोसिएशन एरियाज हैं जो आपके क्या करते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर दी कॉम्प्लेक्स फंक्शन यहां देखो आप हाँ लोकोमोशन में भी मोटर होती है ठीक है देखो अब ये है आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर ये पूरा का पूरा क्या है आपका सेरेब्रम देखो ये सारा सेरेब्रम है तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरा जो आपका सिर है दिस इज योर सेरेब्रम राइट लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर डिवाइडेड है सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स है बीच में जिनको कनेक्ट करता है वो कॉर्पस कैलोसम है ठीक है जी दिस इज द पार्ट ऑफ योर फोर ब्रेन इसके नीचे क्या है थैलेमस है उसके नीचे हाइपोथैलेमस है सो दिस इज योर वॉट ब्रेन ठीक है, फिर आपका आता है ब्रेन स्टेम मिड ब्रेन ठीक है ये रहा आपका मिड ब्रेन ये वाला दिस इज योर मिड ब्रेन ये आपका फोर ब्रेन फिर आपका मिड ब्रेन और ये आपका हाइंड ब्रेन सबसे नीचे वाला पार्ट हाइंड ब्रेन एंड दिस इज रिलेटेड टू क्या है आपका स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड है कौन सा हाइंड ब्रेन हाइंड ब्रेन के पार्ट्स है पॉन्स सेरेबेल मेड्यूला ऑब्लोंगेटा बहुत ध्यान से करना ठीक है जी तो अब आपको यहां पर एक चीज जो याद रखनी है वो कौन सी रखनी है वो यहां पर ये यह देखो सेरेब्रम एक स्ट्रक्चर से रैप होता है जिसको हम थैलेमस करते तो सेरेब्रम के नीचे क्या था थैलेमस था जो कि मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है किसका

कौन सा होता? Thalamus. Thalamus कभी नहीं भूलते हो ठीक है तो अगर किसी को लगता है कि चीजों को याद रखने में प्रॉब्लम आती है स्टार्ट डूंग इट ऑन दी बैक साइड दो से पीछे वापिस जाना शुरू करो बैक काउंटिंग करना शुरू करो अपनी स्टडी के अंदर ठीक है जी अब ये आपके हो गए इनर पार्ट जी ये स्ट्रक्चर फॉर्म्स करते हैं हाइपोथैलेमस के साथ ये क्या करते हैं रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन एक्साइटमेंट ठीक है प्लेजर रेज फियर एंड मोटिवेशन सो इट इज रिलेटेड विद योर लिम्बिक सिस्टम तो मैं आपको वर्स से वर्ड सनैरियो वर्ड का मतलब होता है डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आपको एनडीए में आएगा तो इससे डिफिकल्ट नहीं आएगा इससे नीचे यानी इससे डेप्थ में आपका यूपीएससी स्पेशली फॉर एनडीए नहीं जाएगा यह भी डेप्थ में है एक स्टेप ऊपर ही करवा रही हूँ इतना याद रखना ये बिल्कुल वो नहीं है एक स्टेप ऊपर इसलिए कि चांस क्योंकि यू कैन कैनॉट प्रोडिक्ट यूपीएससी मैं बार बार ये चीज बोलती हूँ वी कैन कैनॉट प्रोडिक्ट यूपीएससी हम नहीं बता सकते कि वो कौन सा क्वेश्चन पूछेगा बट उसने सिलेबस दिया है तो हम उस हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं और हम खुद भी वो चीजें वैसी कर रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए एग्जाम के अंदर तो अगर मुझे बहुत ही ज्यादा लीज सोचना हो तो लिम्बिक सिस्टम से इससे नीचे वो नहीं जाएगा ठीक है नीचे मतलब होता है डेप्थ में ठीक है जी सो दिस इज योर के अंदर आपको क्या है अब देखो था, था, फिर thalamus था, फिर hypothalamus. ये किसका पार्ट थे forebrain के. अब इसके बाद क्या शुरू होगा आपका मिड ब्रेन तो ऑब्वियसली थैलेमस हाइपोथैलेमस ठीक है फोर ब्रेन के और आपका यहां से हाइंड ब्रेन का पहले क्या था पॉन्स फिर था सेरेबेलम और फिर था मेड्यूला ओब्लोंगेटा तो ये कह रहा है कि मिड ब्रेन इनके बीच में कहीं लाई करता है आपका मिड ब्रेन सिस्टम इमोशंस ठीक है जी तो आपका क्या है एक कनाल एक एडिक होती है जिसको हम सेरेब्रल एक्वेडक्ट कहते हैं ये पास होती है थ्रू दी मिड ब्रेन तो मिड ब्रेन के पास चार राउंड्स है आपके स्वेलिंग्स वाले लोब्स होते जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन फॉर्म्स दी ब्रेन स्टेम तो अगर आपको मिड ब्रेन तो है और हाइंड ब्रेन कलेक्टिवली बनाते हैं ब्रेन स्टेम स्टेम क्यों है क्योंकि लास्ट में है ना इसके ऊपर सेरेब्रम है सॉरी oh, आपका फोर ब्रेन है तो मिड ब्रेन का ऐसा कोई पार्ट नहीं है दिस इज योर मिड ब्रेन जहां से एक चीज पास हो है, है. Swelling, होती है जिसको हम कहते हैं और इसके अंदर स्वेलिंग लोब्स होते हैं फोर राउंड स्वेलिंग जो होती हैं वो आपके प्रेजेंट होती है मिड ब्रेन के अंदर नेक्स्ट है ब्रेन ब्रेन के पार्ट्स कौन से हैं आपके पॉन्स सेरेबेल मेड्यूला करेक्ट में बता देती हूँ पॉन्स जो है वो आपका स्लीप साइकिल तो ये नौ घंटे सोना मेरी नींद पूरी नहीं हुई चिड़चिड़ापन रहना उसकी वजह से वो क्या है आपका पॉन्स वाला सिस्टम जो वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है

सरफेस है प्रोवाइड करता है एडिशनल स्पेस मोर न्यूरॉन्स के लिए सिस्टम का मेड्यूलाटा कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम कौन रेगुलेट करता है मेड्यूलाटा गैस्ट्रिक सिक्रीशन डाइजेस्टिव सिस्टम रेगुलेटरी मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम

फ्रंट रिसेप्टर होगा और फ्रंट e एक्साइटर होगा न्यूरॉन जो क्या करेगा अप्रोप्रिएटली होगा तो इतना डिटेल में करने की ज़रूरत रिस्पॉन्स है, है? है आपका ठीक है तो वो रिस्पॉन्स जाता है ई फ्रंट न्यूरॉन कैरी करता है सिग्नल फ्रॉम सेंट्रल इफेक्टर और रिस्पांस रिस्पॉन्स जैसे नीजॉक रिफ्लेक्स This is your sensory neuron. अब देखो मैंने यहां पर motor neuron नहीं है. यहां पर कहीं पर मोटर न्यूरोन नहीं है मोटर कहाँ होगा आपका यहां पर? देखो कैसे? ये है। इन के अंदर आपके क्या प्रेजेंट है रिसेप्टर्स है आपको वो गर्म लगा आपने एकदम से आपका सेंस गया सेंसरी न्यूरॉन एक्टिवेट हुआ और वो ब्रेन तक गया उसको लगा गर्म है वापस जो इंपल्स जनरेट होगी वो कौन सी होगी मोटर न्यूरॉन आएगा अब तब आपके मसल्स को झटका लगेगा एक्सक्रीटरी मस्कुलर सिस्टम नहीं पाते है नो नो बड़ी थैंक्स ठीक है तो आपके सेंसरी सेंसरी ऊपर सिग्नल लेके मोटर ने नीचे सिग्नल इफेक्टर मसल्स जो थी मसल्स के अंदर उसने इफेक्ट किया और आपके पीछे ऑटोमेटिकली आपका हाथ पीछे हो जाता है क्योंकि वो गर्म लगा आपको ठीक है मैसेज जाता है ब्रेन की तरफ

अब क्या होगा सारी सिस्टम से पूरी की पूरी बॉडी से जितने भी टॉक्सिसिटी है टॉक्सिक मटेरियल है ना वो ब्लड जो फ्लो कर रहा है आपका अब ये ब्लड कहाँ जा रहा है आपका किडनी के अंदर ठीक है तो ब्लड को प्योरीफाई कौन करता है लंग्स सर्कुलेट कौन करता है ब्लड सॉरी आपका हार्ट ठीक है अब ब्लड को जो है फिल्टर कौन करेगा अब वो इतनी सारी चीजें कैरी करके ले रहा है जब ल, लंग्स है लंग्स का काम सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से डील करने का है टॉक्सिसिटी से डील करने का नहीं है तो टॉक्सिसिटी के लिए अब डिपार्टमेंट के पास किसके पास जाएगा ब्लड दैट इज एक्सक्रिटरी अब एक्सक्रिटरी सिस्टम क्या करेगा देखेगा कि इसके अंदर कौन सी चीज असेंशियल है कौन सी नॉन असेंशियल है एक्सक्रिटरी सिस्टम का जो लास्ट वाला एंड प्रोडक्ट होता है दैट इज योर यूरिन तो यूरिन के थ्रू आपने सारे के सारे जो वेस्ट मटेरियल या टॉक्सिक मटेरियल होता है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है इसलिए एंड में जो काम करता है आपका दैट इज योर सिस्टम जो एंड का डिपार्टमेंट है वो फाइनल चेक जहां पे प्रेसिडेंट का कंसेंट दिया जाता है दैट इज योर यूटरी ठीक है बिल पास होता है ना पहले लोकसभा राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट तो अब क्या है अब आप एक्सीक्यूट सिस्टम क्या करें ये वैसा वाला प्रेसिडेंट नहीं है कि जो अबाइड बाय द रूल्स है ये ऐसा वाला प्रेसिडेंट है कि अगर इसको लगेगा कि इसमें कोई चीजें रह गई है ठीक है और अब पहले वो रि नहीं हुई फूड में या में नहीं हुई है ये इसके किडनी के कुछ पार्ट्स हैं वो उसको कर लेंगे और जो वेस्ट होगा उसको आगे पास ऑन कर देंगे और ऐसे पास ऑन करते करते ये अपने फर्दर एक्सक्यूटिव सिस्टम आपके नीचे जितने भी लोग फंक्शन कर रहे हैं उनको बोलेगा तू ये कर तू ये कर तू ये कर और फाइनली एंड में जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज योर यूरिन ठीक है इसलिए कहते किडनी पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालते इसपे लोड ज्यादा होगा तो ये क्विट कर जाएगा और अगर ये क्विट कर गया तो बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी घूमती रहेगी एंड इवेंचुअली उसको कहते हैं ब्लड कैंसर

दीज आर योर टू किडनीज ठीक है दो पेयर ऑफ किडनीज है किडनी से जो लाइन निकल रही है इसको हम यूरेटर कहते हैं बीच में आपका यूरिनरी ब्लैडर है ठीक है यहाँ से ब्लैडर पे क्या होता है आपका यूरिन स्टोर होता है और यूरेथ्रा के थ्रू इट इज आउट ऑफ दॉडी बॉडी से बाहर निकल जाता है आपका यूरिन सो दिस इज द प्रोसेस यूरिन फॉर्मेशन के आपके कुछ स्टेप्स होते हैं ठीक है जी जैसे यहीं पर बता देती हूँ यूरिन फॉर्मेशन का सबसे पहला स्टेप है पहले आपकी किडनी क्या करेगी कुछ चीजों को फिल्टर करेगी दैट इज कॉल्ड एज क्या करेगा री एब्सॉर्ब करेगा ठीक है री एब्सॉर्बेशन होगी इसके अंदर ठीक है उसके बाद क्या होगा सिक्रीशन होगा दिस इज योर

ब्लड रीचेज टू किडनीस ये कंटेन करता है बहुत यूजफुल और हार्मुल सब्सटांसेस जब ब्लड किडनी तक पहुंचता है तो उस वक्त ब्लड के पास यूजफुल और अननेसे और दोनों तरह की चीजें प्रेजेंट है आपके ब्लड के पास यूजफुल सब्सटांसेज दोबारा से एब्जॉर्ब बैक इन टू द्लड और वेस्ट जो है इट इज रिमूवड एज यूरी ठीक है जी अब किडनी उसके बाद यूरेटर के थ्रू कहा जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में उसके बाद यूरेथ्रा से बाहर ठीक है अब एडल्ट ह्यूमन जो है नॉर्मली पास करता है टू लीटर ऑफ यूरिन यूरिन इन आवर्स और क्या क्या कंटेन करता है यहां से क्वेश्चन बनता है आपका ठीक है यूरिन क्या क्या कंटेन करता है यूरिन के अंदर है नाइन्टी फाइव परसेंट वॉटर टू पॉइंट फाइव परसेंट यूरिया ठीक है टू पॉइंट फाइव परसेंट अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो जो होते 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 हैं, हैं हैं kind of देखो तीन तरह के आपके options होते हैं, toxic substances में सबसे पहले होते हैं, ammonotallic. Ammonotallic, जिनका होता होता है वो ammonia होता है वो ठीक है जी फिर आते हैं यूरिकोटैलिक और ये बर्ड्स होते हैं आपके यूरिकोटैलिक यूजुअली बर्ड्स होते हैं इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स में भी आता है आपका दिस इज योर यूरिकोटेलिक जिनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरिक एसिड होता है ठीक है फिर आते हैं आपके यूरियोटेलिक जिनका वेस्ट मटेरियल यूरिया होता है जैसे कि ह्यूमन बींग दिस इज योर यूरियोटेलिक ठीक है ये देखो अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आयंस ये कुछ भी हो सकता है अमोनिया यूरिया और यूरिक एसिड मेजर हैं एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स अमोनिया सबसे टॉक्सिक होता है अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ठीक है और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर होता है आपके इसके एलिमिनेशन के लिए वेयर एज यूरिक एसिड जो है वो लीस्ट वन है तो हम कहा रिलाई करते हैं मोस्ट और लीस्ट के बीच में यूरिया ठीक है जी तो यूरिक एसिड लेस ऑफ वाट, वॉटर लेस वाटर से भी चल पड़ेगा और यूरिया होता है आपका एवरेज वाटर इसीलिए कहते हैं ह्यूमन बींग को एक से दो लीटर पानी पीना चाहिए किया होता है क्यों क्योंकि वी ऑन मिडिल पाथ ना ही बहुत ज्यादा टॉक्सिक है और ना ही बहुत ज्यादा ना तो लीस्ट है ना ही मैक्सिमम है ठीक है एनिमल्स अब देखो अमोनोटैलिक एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं आपके फिशेस वो एक्सक्रीट करते हैं गैशियस फॉर्म ऑफ अमोनिया जो डायरेक्टली वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है

और फिर यूरिन के थ्रू बाहर रेप्टाइल्स बर्ड्स लैंड स्लेल्स ये सारे यूरिकोटेलिक एनिमल्स हैं यूरिक एसिड करते हैं ये ये एक एक लाइन है आई नो दैट इज मोर डिफिकल्ट वाला सेक्शन थोड़ा सा आपका आप बोरिंग कह सकते हो या थोड़ा सा डिफिकल्ट कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा वो हो जाता है जैसे कि और फ्लेम सेल्स इस एफ्रीडियाल्स क्वेश्चन आता है आपको फ्लेम सेल्स पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्लेम सेल्स किसका जैसे हमारी बॉडी के अंदर किडनी एक्सक्रिटरी ऑर्गन है फ्लेम सेल्स या प्रोटन एफ्रीडिया

अगर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया वहां पर ये से चार ऑप्शन चार स्टेटमेंट बनाती है और इसके अंदर आपको इनकरेक्ट और करेक्ट ढूंढना आ सकता है हाँ। जैसे भी आपको ठीक लगता है ठीक है जी अब वाला पार्ट करना है अब वैसे तो अगर ये करना हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मैं आपको सिर्फ छोटी सी स्टोरी बताती हूँ एक स्टोरी इन द सेंस यू हैव टू इमेजिन ठीक है तो इसको ऐसे ही देखना एक इमेजिन करके देखना आपको ज़्यादा लगेगा, ठीक है ऐसे पढ़ोगे तो मुश्किल हो जाएगा Let us imagine, ठीक है? जैसे आप एक स्ट्रक्चर के अंदर गए जैसे एक रूम है आपको किसी रूम के अंदर गए सबसे पहले जब आप रूम के अंदर जाते हो तो सबसे पहली चीज क्या देखते हो जैसे मान लो कि और आप यू कंसिडर योर सेल्फ एज अ ब्लड ठीक है या आप या फिर आप ऐसे देखो कि you imagining कि आपके सामने एक सिचुएशन है जहां पर एक ब्लड के फ्लो है ब्लड या कोई भी पर्सन है इफ एंटरिंग सबसे पहले जब ब्लड एंटर करेगा सबसे पहले उसको किडनी के अंदर क्या मिलता है जैसे आप किसी के घर में एंटर करते हो तो सबसे पहले क्या दिखता है आपको कहाँ से एंटर करते हो बताओ कहा से एंटर करते हो अगर किसी के घर एंटर करना हो वेरी गुड गेट ऑब्वियसली दरवाजा तो आपकी जो ब्लड वेसल्स है आर्टरीज ये ये सारी चीजें जो होती है अलग अलग जगह से जब ब्लड फ्लो करके आर्टरीज से ब्लड आता है या वेन्स जो आपकी ऑब्वियसली वेन्स में जो ब्लड जो भी ब्लड आपका आता है आर्टरीज कलेक्टिवली ब्लड है वो किडनी के अंदर जाने से पहले दिस इज है किडनी के अंदर जाने से पहले ऑब्वियसली वो किडनी के दरवाजे पे खड़ा होगा गेट इस गेट को हम कहते हैं हीलम ये हो गया हीलम पहले हीलम हीलम ओपन हुआ ब्लड अंदर गया जैसे ही ब्लड अंदर जाता है उसको दिखता है कि हीलम के अंदर भी कुछ ऐसे ऐसे सेक्शंस बने हैं जिनको हम कहते हैं कैलेक्स और कैलसीज ठीक ये हो गया ब्लड देख पहले दो दरवाजे होते थे एक जाली वाला दरवाजा और एक बड़ा दरवाजा तो आपने देखा होगा कि दो दरवाजे यहां पर भी किडनी में जाने के लिए दो दरवाजे होंगे देखो इतना सा ना बस इतना सा याद रखो कि अगर कोई चीज फिल्टर होती है तो वो एक लेयर से फिल्टर नहीं होगी तीन से चार लेयर्स होंगी बस किडनी में हर स्ट्रक्चर में मिनिमम दो लेयर्स होंगे मैक्सिमम तो भूल ही जाओ ठीक है मैक्सिमम पे फोकस नहीं करेंगे मिनिमम दो लेयर्स तो हर जगह आपको मिलेगी मिलेगी पहले एक से फिल्टर फिर दूसरे से फिल्टर ऐसा अब हीलम के बाद आया आपका ठीक है तो आपकी अब कहा पहुंच गया वो अब उसको मिला किडनी अब उसको किडनी किडनी का फंक्शनल यूनिट जो है मतलब वो डायरेक्टली किडनी क्या है किडनी इस घर क्या है बहुत सारे लोगों से बना होता है अब उसको अलग अलग लोग मिलेंगे जो अलग अलग फंक्शन कर रहे होंगे एंड कलेक्टिवली इज कॉल्ड एज किडनी किडनी एक घर है जिसके अंदर कलेक्टिवली क्या है आपका अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग काम कर रहा है है ऐसा ठीक अब क्या होगा किडनी के अंदर आपका जो फंक्शनल यूनिट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हेड है ठीक है वो कौन है किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन तो उसने जब देखा अंदर जाकर किडनी एज सच कोई स्ट्रक्चर नहीं है किडनी कोई एक पर्सन नहीं है यानी किडनी क्या है एक पूरा स्ट्रक्चर है जो अंदर उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं तो वो जब जाता है तो उसको दिखता है सबसे पहले उसको कौन दिखता है नेफ्रॉन और नेफ्रॉन ही आपकी किडनी बनाता है तो अब नेफ्रॉन का फंक्शन देखना नेफ्रॉन जो है इसके दो पार्ट दो ऐसे लोग हैं नेफ्रॉन के पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नेफ्रॉन के जो दो पार्ट्स हैं सबसे पहले का नाम है ग्लोमेरुलस ठीक है और दूसरे पर्सन का नाम है बोमन्स कैप्सूल ये तो आपने नाम सुना होगा बोमन कैप्सूल का किडनी में यही चीज याद रहती है बच्चों को बोमन्स कैप्सूल बस नाम ठीक है अब नेफ्रॉन कहता है कि मैं ऐसा को काम नहीं करता पा, मेरे पास दो लोग हैं वो काम करेंगे दैट इज आप देखते हो कि हाई और एक्सिटरी को देखोगे ना हाईली ऑर्गेइज सिस्टम है हाईली ऑर्गेनाइज्ड वैसे तो हर ऑर्गन सिस्टम हमारा ऑर्गेनाइज्ड ही है बट अपनी बॉडी के अंदर किडनी को देखो कि किस तरीके से काम करती है अब क्या करेगा ये ब्लड जो आया ब्लड ने नेफ्रॉन से जब मिला तो उसने बोला पहले जाओ ग्लोमेरुलस के पास फिर जाओ बोमन कैप्सूल के पास ठीक है बोमन कैप्सूल जो है वो इशारा करता है कि अंदर बैठा है कौन ग्लोमेरुलस तो जो इनका स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का वो कुछ ऐसे होता है ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको कहते हैं हम वोमन कैप्सूल और अंदर ये जो है पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस अब ब्लड ग्लोमेरुलस के पास जाता है ग्लोमेरुलस के अंदर ही होती है उसकी एक्चुअल फिल्ट्रेशन यहीं पर उसकी चेकिंग हो जाएगी ब्लड की कि उसके पास क्या टॉक्सिक है और क्या यूजफुल है ग्लोमेरुलस उसको पूरी तरह स्कैन कर देगा अब अगर ग्लोमेरुलस को स्कैन करना है

ये तीन की तीन लेयर मिलकर जो किस सेल्स से बनी होती है उसको हम कहते हैं पोडोसाइट्स इसके पास आपके पास सेल्स जो फिल्टर करते हैं उनको हम कहते हैं पोडोसाइट्स ये सब कुछ फिल्टर करते हैं ये के है। मैंने आपसे था नाइनटी टू नाइटी फाइवेंट और एटी टू नाइन बॉडी जो है आपकी वो से बनी है अब ये टिश्यूज क्या करेंगे फिल्टर करेंगे पोडोसाइट्स सेल्स जो हैं हैं टिश्यूज है, वो किससे बने आपके? से बने आपके टिश्यू से अब ये फिल्टर करेंगे पूरे के पूरे ब्लड को क्योंकि लेयर्स ही लेयर्स हैं सब कुछ फिल्टर कर देंगे ये सिवाय प्रोटीन के प्रोटीन का भी फिल्टर नहीं होता क्योंकि प्रोटीन बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं और ये फिल्टर नहीं होते है. और मैक्सिमम जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी के अंदर यूटिलाइज हो जाता है तो किसको फिल्टर करेगा ये ग्लूकोज फैटी एसिड्स ये सबको फिल्टर करता है एक्सेप्ट प्रोटीन्स प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होती तो अगर क्वेश्चन आए तो ऑप्शन में मेंशन देखना कि उसमें क्या लिखा है प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होती कभी भी एक्सप्रेट में इसीलिए इसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और वैसे भी प्रोटीन्स को इसलिए भी फिल्टर नहीं करते कि यूजली बॉडी जो है वो प्रोटीन्स को यूटिलाइज कर लेती है जैसे हार्मोन्स बना देती है एंजाइम्स बन जाते हैं डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी का स्ट्रक्चर सेल्स रिपेयर हो जाते हैं तो ये जब ये सारे काम हमारी डाइट के अंदर जो प्रोटीन जा रही है उससे हो रहा है तो प्रोटीन बचता ही नहीं फिल्टर के लिए और जो थोड़ा बहुत बचता है वो क्या हो जाता है फिल्टर नहीं होता वो पास ऑन हो जाता है यूरिन से वो ऊपर नहीं रह जाता वो चला जाता है ठीक है फिल्टर नहीं कर सकता, पास हो जाए। प्रोटीन निकल जाएगा। अब ग्लोमेरुलस से जो ब्लड को लेकर जाएगी उसको कहते हैं हम इंट आर्ट्रियोल्स इंट जो होती है वो ब्लड को कैरी करती है वोमेंस कैप्सूल बाहर था अब ये ब्लड बाहर आया कैप्सूल ने बोला होगी चेकिंग ये बोलेगा जी अब ये इसको गाइड करेगा कौन लेकर जाएगा अब वोमेंस कैप्सूल बोलेगा क्योंकि ग्लोमेरुलस ने क्या भेज दी ई फ्रंट अब ई फ्रंट को बोलेगा कि मैं इसको फिल्टर करके लेकर आ रहा हूँ तो वोमन इसको वे देगा वोमन्स कैप्सूल यहाँ पर अब यहां से शुरू हो जाएगी आपकी रीऐब्जॉर्बशन तो ये बोलेगा कुछ री एब्सॉर्ब तो ही करना है तो ये बोलेगा हाँ ये एब्जॉर्ब कर लो जैसे आपके सोडियम पोटासियम कुछ भी हो सकता है उसको रीअब्सॉर्ब करना शुरू कर देगा ठीक यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ अदरवाइज आई मूव फॉरवर्ड ठीक है जितना आप लोगों के लिए समझना मुश्किल है इतना मेरे को भी एफर्ट लग रहा है कि मैं आपको ठीक है आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आप लोगों को समझ आता है मे बी बायोलॉजी आप लोगों को बोरिंग लग रही हो बट दिस इज हाउ आई कैन टीच इससे ज्यादा सिंपल तो मैं नहीं कर पाऊंगी नो बड़ी कैन नहीं, और भी कर सकते हैं बट इस सिंपल से स्टोरी से ज्यादा मैं आपको एक नहीं बता पाऊंगी क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज है अदरवाइज इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड ठीक है जी हीलम हीलम इज वेरी इंपॉर्टेंट हीलम जो है वो आपका बाहर वाला स्ट्रक्चर है अंकित फिजिक्स के अलग से क्लासेस लगी हैं आपकी यूपीएससी यूपीएससीडी के लिए सर ने क्लासेस प्रॉपरली आप चाहे तो आप उनके लेक्चर जाके सुन सकते हो बनी होगी आपकी फिजिक्स की आप वहां पर कर सकते हो ठीक है ओके okay. तो आई एम इरेजिंग दिस वाला ये वाला आपका पूरा इरेज कर दिया मैंने अब बोमन कैप्सूल के बाद ये जाएगा आपका टिब्यूल्स के अंदर जिसको हम कहते हैं पी सी टी दैट इज प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल अब ये इसके पास जाएगा पीसीटी के पास ठीक है अब ये रीएब्सॉर्ब ही करेगा बस अब कुछ नहीं है अब पीसीटी क्या करेगा ई फ्रंट लेकर जा रहा है ब्लड पास हो रहा है अब ब्लड गया पीसीटी के पास पीसीटी ने उसके अंदर तो जो असेंशियल चीजें थी वो रीएब्सॉर्ब कर ली जैसे कि आपका हाइड्रोजन सोडियम पोटासियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेटाइन आनिक बैलेंस मेंटेन करेगा पीसीटी पीसीटी से जैसे ये गया पीसीटी से बाहर निकलते ही अब ये जाएगा आपका हैंडलेज लूप या लूप ऑफ हेनलेज भी इसको कहते हैं या यानलेज लूप हैंडले लूप क्या करेगा इसके पास अब जब हैंडले लूप के पास ये गया तो अब यहां पर दो सेक्शन बने हैं लूप के पास दैट इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग अब देखो ब्लड के अंदर पानी भी होगा सॉल्ट भी होगा सब कुछ है ना सारे है ब्लड के पास तो अब ब्लड क्या करेगा जो असेंडिंग वाला पार्ट है ये बोलेगा मुझे चाहिए सिर्फ सॉल्ट वही तेरे पास से

दिस इज यहां पर मैंशन करना है आपको दिस इज लीस्ट री एब्सॉर्प्शन यहां पर कोई चीजें ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होती यहां से क्वेश्चन आता है कौन सा ऐसा पार्ट है किडनी का जहां पर लीस्ट होती है आंसर होगा असेंडिंग लिम्ब असेंडिंग लिम्ब के अंदर लीस्ट मिनिमम सबसे कम री एब्जॉर्प्शन अगर पूरी किडनी में होती है तो वो यही होती है और यहीं पे अगर सॉल्ट रह जाए सोडियम उसको आप कहते हैं पथरी स्टोन यहीं पर बनता है तो अगर ये डिपॉजिट हो जाए तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं आपके स्टोन बन जाते हैं तो वो क्या होते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वहां डिपॉजिट हो जाता है और किसकी वजह से होते हैं स्टोंस अगर डिसेंडिंग लिम्ब के पास वाटर इनफ ना हो दिस इज योर वाटर परमिएबल ये सिर्फ पानी को परमिशन देते हैं सॉल्ट को नहीं देते हाँ जी ये आपके ऑक्सलेट्स फॉर्म्स होती है ऑक्सलेट्स सॉल्ट्स के अंदर ऑक्सलेट्स जो सॉल्ट होते हैं उनसे बनते हैं आपके स्टोंस कैल्शियम ऑक्सलेट्स बेसिकली अब ये आपका हैंडल लूप है इसके साथ जो काउंटर मैकेनिज्म करता है मतलब इसके साथ-साथ जो फंक्शन करता है उसको हम कहते हैं वासा रेक्टा ठीक है वासा रेक्टा के पास भी असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम प्रेजेंट होता है इसका भी सेम है ये भी सॉल्ट के लिए है और ये भी वाटर के लिए सेम ये दोनों सेम सेम काम करते हैं लेकिन एक साथ काम करते हैं अब ध्यान से सुनना लूप का असेंडिंग पेयर बनाएगा किसके साथ वासा के, डिसेंडिंग के साथ और इस वाला डिसेंडिंग जो होगा वो इसके साथ फंक्शन करेगा तो देखो सॉल्ट वाटर सॉल्ट वाटर ठीक है ये पैरेलल होते जैसे ये आपका एक है और इसी के साथ दूसरा ऐसे फंक्शन करेगा ऐसे तो ये जिक्सैक्ट मैनर में प्रेजेंट होते है. तो यहां से पानी जो है वो सॉल्ट को ले जाएगा अगर आप इनफ वाटर पीते हो तो फिर तो डॉक्टर कहते हैं पानी पियो ज्यादा पानी पियो जितना पानी पियोगे उतना तो टॉक्सिक जो है आपके बॉडी के अंदर सब्सटेंस थ्रू द यूरिन इट विल बी रिलीज आउट ठीक है इसको कहते हैं आप यूरिन फॉर्मेशन यहाँ इसीलिए कहते हैं कि पानी की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए बहुत कम नहीं लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं बट ऑन एन एवरेज जितना जरूरी है बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड है एटलीस्ट उतना टेक तो होना चाहिए क्यों क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता अगर पानी अच्छे से ना हो

इसको आप कह कह सकते सकते या फिर आप हो कि अगर कुछ रह जाए तो यहाँ पर आपका क्या होता है यहां पर आपकी reabsorption होती है। है इसके बाद ये चला जाता है, आपका जो टॉक्सिक है कलेक्टिंग अंदर जहां पर आपका यूरिन कलेक्ट होता है यहां से फिर जो है वो लेकर जाती है आपकी यूरेटर्स टू यूरिनरी ब्लैडर और द रिलीज ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम द री ब्लैडर इज कॉल्ड एज मिक्च्यूरेशन दिस इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन दिस इज ऑल अबाउट योर किडनी समझ आया आपको बस यही है किडनी के अंदर क्लियर है ठीक है जी ये आपका किडनी का पार्ट है ठीक है ये किडनी के अंदर हमने फंक्शन किए हैं अब किडनी से क्या होता है यूरेटर लेकर जाएगी यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर से ये आउट ऑफ दी बॉडी ठीक है देखो इनर मेड्यूलर ग्लोमेरुलस होता है रीनल ट्रिब्यून को हम बोलते हैं बोमन कैप्सूल बोमन कैप्सूल एनक्लोज करता है ग्लोमेरुलस को अब जब आप इस चीज ये आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा ये रहा दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर नेफ्रॉन ग्लोमेरुलस अंदर है बाहर मोमन कैप्स्यूल है यहां से आपकी आई ई फ्रंट आर्टरी आर्ट्रीओल और ये आपका ब्लड लेकर जा रही है साथ में आपके क्या काम कर रही है वासा रेक्टा एक तरफ वासा रेक्टा है और दूसरी तरफ क्या है लूप ऑफ हेनले ठीक है असेंडिंग और डिसेंडिंग लिप और वासा रेक्टा का भी सेम है यहां पर ब्लड होने के बाद पीसीटी पीसीटी के बाद फिर आपका लूप ऑफ हेनले फिर डिस्टल कॉन्विटर ट्रिब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट और यहां से फिर यूरेटर के थ्रू बाहर ग्लोमेरुलस और बाहर है कैप्सूल और यहाँ से शुरू होती है आपकी पीसीटी रीएब्सॉर्प्शन यहीं से शुरू हो जाती है ठीक है यूरिन फॉर्मेशन रीएब्सॉर्पन सिक्रीशन फिल्टर हो गया फिर रीएब्सॉर्ब हो गया और फिर सिक्रीट हो गया ठीक है ग्लोमेरुलस के पास देखो एंडोथिलियम एपिथीलियम बेसमेंट मैम प्रेजेंट होती है सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं पोडोसाइट्स ठीक है है अब इसके अंदर ये आपके functions है. PCT क्या करती है? अच्छा आकर आपको टिश्यूज क्वेश्चन आता है टिश्यूज पार्ट है किडनी का वो किससे है किस तरह के टिश्यूज सिंपल तो जी यानलेस लूप मैंने आपको बता दिया असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप रीएब्जॉर्प्शन मिनिमम इन दी असेंडिंग Limb. सबसे जो कम एब्जॉर्प्शन वो आपकी असेंडिंग लिम्ब के अंदर ही होती है ठीक है रेगुलेशन की बात करें अब आपको ना यहां पर एक चीज समझाती हूँ ये वाला रेगुलेटरी पार्ट जो है आपने सुना होगा समटाइम्स जो है कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि उनको एक्सेसिव यूरिन बन रहा है जब आपकी बॉडी के अंदर एक्सेसिव यूरिन बनता है और आपका पानी का इंटेक भी इतना ज्यादा नहीं है फिर भी बॉडी के अंदर जो है वो यूरिन ज्यादा बन रहा है तो यूजली क्या होता है बॉडी पहले खुद ही डील करना शुरू करती है उसके बाद ही आप हॉस्पिटल जाते हो पहले क्या होता है स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब ये कर रहा होता है तो आपकी बॉडी से सिग्नल जाते हैं सेल्स मोटर न्यूरॉन्स सिग्नल लेकर जाती है कि किस तरह का क्या हो रहा है प्रॉब्लम हो रही है किडनी के अंदर ये एक्स्ट्रा यूरिन बना रहा है हाइपोथैलेमस क्या करेगा आपका एक हॉर्मोन को रिलीज करेगा जिसको हम कहते हैं ए डी एच दैट इज कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन और वॉसोप्रेसिन फ्रॉम द प्रोसेस कॉल्ड एज न्यूरोहाइपो

यानी ब्लड प्रेशर का मतलब क्या कि क्या किस फ्लो से आपका ब्लड जो है बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है वो एक प्रेशर अब ये क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन रेट जितने फ्लो से आएगा उतना भार तो आपके ग्लोमेरुलस पे भी पड़ेगा तो उसको हम कहते हैं जी एफ आर दैट इज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट हाई ब्लड प्रेशर हाई जी एफ आर ज्यादा जीएफआर होगा प्रेशर पड़ेगा किडनी के ऊपर और फंक्शन करना इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा उसको मुश्किल हो जाएगा उस टाइम पीरियड पर क्या होता है कि आपका जो जी जे जी ए है वो एक कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल है वो प्ले करता है और वो क्या करता है एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है रेनन आर ई एन आई एन अब ये रिलीज होगा आपका और ये आपका एंजियोटेंसिन वन और टू में क्या कर देगा तोड़ देगा आपके एंजियोटेंसिनोजन को ठीक है वो वासो है है जी जो वो और ये इंक्रीज करेगा जीएफआर ब्लड प्रेशर को और जीएफआर फिर से बढ़ा देगा ठीक है और ये एल्डोस्टिरोन को भी एक्टिवेट करता है जो कि क्या करेगा फिर रीएब्जॉर्प्शन करेगा आपकी सोडियम और वाटर की जिस वजह से फिर आपका ब्लड प्रेशर भी क्या आ जाएगा नॉर्मल आ जाएगा यूजुअली बॉडी पहले ऐसे फंक्शन करती है अगर ये ज्यादा प्रेशर हो और बार बार हो रहा है तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है ठीक है ये आपका pH है, जो है आपके अगर माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी की तो उसको हम कहते हैं यूरेमिया जिसके अंदर हाईली हार्मफुल और मेले टू द किडनी फेलियर को कहते हैं यूरेमिया उसके बाद उसको रिमूव करने के लिए हिमोडायलिसिस की जाती है ठीक है और अगर एक डायलिसिस जिसको कहते हैं एक एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम हेपरिन वो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है ताकि आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का क्लॉट ना बने ठीक है रीनल और इनसॉल्यूबल मास होता है क्रिस्टलाइज सॉल्ट का ऑक्साइट फॉर्मड विद इन दी किडनी ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन्फ्लामेशन होती है जब ग्लोमेरुलाई यानी फिल्ट्रेशन वाला पार्ट अगर किडनी के अंदर वो इन्फ्लेम हो जाए रेडनेस आ जाए स्वेलिंग आ जाए उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ठीक so, है है well. जी सो ये आपका दिस इज योर वॉट है जी सो ये है आपके बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज हमारे जो साइंस का जो पार्ट है आपको बायोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने आपको करवा दिए हैं नोट्स आपको मैं रिलीज करवा दूंगी अपडेट आपको हो जाएंगे मेक श्योर sure कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करो ठीक है और एम जो है वो दिए हैं वो भी सॉल्व करना है इसके बाद हम आपके स्टार्ट करेंगे आपके एम प्रैक्टिस वो भी हम करेंगे ठीक है तो डोंट वरी तो आपका जो क्लास टाइम होगा वो आपको मेंशन वैसे अंकित क्लास जो होती है ना वो आपकी बारह बजे शुरू हो जाती है ठीक है अब जो मैराथन वाला जो आपके एमसी वाला होगा ऑब्वियसली उसका जो टाइम होगा वो आप लोगों को मैंशन कर दिया जाता है आपको जब भी क्लास का टाइम ना पता लगे हमेशा सिविल स्टाफ जो आपका ये है यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर आकर हमेशा देखो कि कौन कौन से जो

ठीक है अदरवाइज आपको टाइम टेबल जो है यूजुअली जो हमारी क्लास होती थी वो बारह से डेढ़ घंटे की आपकी क्लास है आपका जो पेपर है आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आपको बहुत अच्छे से पेपर हो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो एंड बी बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि पेपर है पेपर है पेपर है कुछ नहीं है जितना आपने कर लिया बहुत कर लिया है इतने कम टाइम में भी अगर आपने इतना कुछ भी कर लिया कुछ तो आएगा ही ऐसा तो नहीं है कुछ भी नहीं आएगा दो क्वेश्चन चार क्वेश्चन पांच क्वेश्चन कुछ तो आएगा लेट्स बी पॉजिटिव ठीक है लेट्स बी पॉजिटिव फॉर द एग्जाम एंड बी पॉजिटिव फॉर आवर प्रिपरेशन ठीक है बाकी जो आपके एमसीक्यूज होंगे वहां पे भी कुछ प्रैक्टिस हो जाएंगे तो अगर कोई वहां कोई नया टॉपिक होगा तो मैं उसी वक्त आपको वहीं पे बता दूंगी ठीक है अगर कोई ऐसा क्वेश्चन भी होगा जो हमने क्लास के अंदर नहीं किया है तो हम वहां भी कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो जो स्ट्रेटेजी या जो तैयारी होगी वो आपकी मल्टी डायरेक्शनल है ऐसा नहीं है कि जो क्लासेस में दैट्स इट कोई प्रॉब्लम नहीं है सेकंड होगा लास्ट होगा सेकंड एंड द लास्ट वन क्योंकि इसी में क्रैक हो जाएगा अंकित डोंट वरी ठीक है डोंट फील स्ट्रेस्ड एंजाइटी और स्ट्रेस से क्या होता है जितनी हमें चीजें आती है हम उनको भी गलत कर लेते हैं तो वो नहीं करना है आपको आती जाती चीजें गलत करके आते हो आप फिर स्ट्रेस नहीं बिल्कुल रिलैक्स होके अपने पैरा सिस्टम को एक्टिवेट करना है सिंपैथेटिक को नहीं वो सब कुछ खत्म कर देता है वो इधर उधर हिला देगा सारा दिमाग हिल जाएगा जो पढ़ा है क्लासेस के अंदर वो भी भूल जाओगे ठीक है जी सो ऑल द वेरी बेस्ट अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद हमारे एम जब तक तब तक के लिए रिवाइज करो नोट्स और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं आप ठीक है जी थैंक यू सो मच दैट इज ऑल फॉर बायोलॉजी बाय बाय टेक केयर थैंक यू एवरीवन ओके वेलकम अंकित ओके बाय बाय